जी को वादा किया गया था कि एक सप्ताह में आप लोग का रिजल्ट सुधार करके दिया जाएगा, आपके कॉपी का जीरोक्स दिया जाएगा। 31 जनवरी से लेकर के आज मार्च जाने को है, लेकिन अभी तक ना हम लोग का कॉपी मिला है ना ही रिजल्ट सुधार किया गया है। ये कंट्रोलर महोदय के एक सप्ताह चार दिन दो दिन नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं डाटा सेंटर कॉपी नहीं दे रहा है। जब डाटा सेंटर से बात करते बोला कंट्रोलर कॉपी नहीं दे रहा है, ये दोनों में क्या तालमेल है? डाटा सेंटर भी कंट्रोलर के अंदर में है, कंट्रोलर यूनिवर्सिटी के अंदर में है, तो ये उन लोग का प्रॉब्लम है, उनसे बात करें क्या करें। हम लोग कुछ नहीं जाते, हम लोग का ये कोई या तो कॉपी दे दे या रिजल्ट दे। रिजल्ट पेंडिंग होने से LNMU के डिग्री 3 के करीब 150 छात्रों का भविष्य दांव पर, पीजी में नहीं हुआ नामांकन, छात्रों में आक्रोश। बिहार का ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी छात्रों के साथ होने वाली गड़बड़ियों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहता है। इस बार भी स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा देने वाले करीब 150 छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग रह गया, जिसकी वजह से पीजी में उनका नामांकन ना तो अपने विश्वविद्यालय और ना ही किसी दूसरे विश्वविद्यालय में हो सका है। इससे उनका भविष्य दांव पर लग गया है, इससे छात्रों में भारी आक्रोश है। विश्वविद्यालय ने स्नातक तृतीय वर्ष का रिजल्ट दिसंबर 2021 में घोषित किया था, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक छात्रों का पेंडिंग रिजल्ट क्लियर नहीं हो सका है। ये छात्र छात्राएं दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले के हैं, जो हर दिन विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग का इस आस में चक्कर लगा रहे हैं कि उनका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन विश्वविद्यालय लगातार उन्हें तक टरका रहा है। इसको लेकर शनिवार को विभिन्न जिलों से पहुंचे छात्र छात्राओं ने परीक्षा विभाग के कार्यालय के सामने आक्रोश जताया। बेगूसराय से आई एक छात्रा मीनाक्षी ने कहा कि विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2021 में स्नातक तृतीय खंड का रिजल्ट घोषित किया था, उस रिजल्ट में काफी गड़बड़ियां थी। सबसे ज्यादा गड़बड़ी साइंस के रिजल्ट में थी, जिसको लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय में रिवैल्यूएशन का आवेदन दिया था। जनवरी को वादा किया गया था कि एक सप्ताह में आप लोग का रिजल्ट सुधार करके दिया जाएगा, आपके कॉपी का जीरोक्स दिया जाएगा। 31 जनवरी से लेकर के आज मार्च जाने को है, लेकिन अभी तक ना हम लोग का कॉपी मिला है ना ही रिजल्ट सुधार किया गया है। ये कंट्रोलर महोदय के एक सप्ताह चार दिन दो दिन नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं डाटा सेंटर कॉपी नहीं दे रहा है। जब डाटा सेंटर से बात करते बोला कंट्रोलर कॉपी नहीं दे रहा है, ये दोनों में क्या तालमेल है? डाटा सेंटर भी कंट्रोलर के अंदर में है, कंट्रोलर यूनिवर्सिटी के अंदर में है, तो ये उन लोग का प्रॉब्लम है, उनसे बात करें क्या करें। हम लोग कुछ नहीं जाते, हम लोग का ये कोई या तो कॉपी दे दे या रिजल्ट दे दे। कहाँ से आए? बेगूसराय जिला से। अच्छा बताइए, जो रिजल्ट 31 दिसंबर को प्रकाशित किया गया था उसमें हम लोग के कहने के मुताबिक बहुत सारा धांधली हुआ है। आर्ट और कॉमर्स वाले को तो अच्छे से निकाल दिया गया, साइंस वाले के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुआ, जिसमें फिजिक्स वाले के साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हुआ है। पीजी में जो नामांकन हो रहा है, क्या उससे भी आप लोग वंचित होंगे? क्या वंचित होंगे? नहीं, वंचित हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन कर ही नहीं चुके हैं, तो हम लोग वंचित हो चुके हैं। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो फिर हम लोग का नामांकन, जो भी स्टूडेंट पास होता है उसका नामांकन ले सकती है, अगर ना चाहे तो ना ले सकती है, लेकिन अभी तक तो हम लोग वंचित से हो चुके हैं। दूसरा यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन उससे तो हम वंचित रह चुके हैं। छात्र के द्वारा दिए गए आवेदन का जो है कार्यान्वयन हो चुका है। मैंने विशेषज्ञों के द्वारा कॉपी का जो है, तो मतलब ये जो कॉपी में भी कुछ त्रुटि हुई होगी उसका उन्होंने निराकरण कर दिया है, और उनका कमेंट भी आ चुका है, और वो मैं सारे चीज़ फिर डाटा सेंटर को सुधार करने के लिए दे दिया। वो अपना अपलोड करेंगे, जो प्रक्रिया है उसके तहत उनका रिजल्ट बनेगा, और छात्रों का जिनका रिजल्ट सुधार हो जाएगा वो देख लेंगे कि मेरा रिजल्ट सुधार गया। ऐसे कितने बच्चे हैं? लगभग 150 हमको एप्लीकेशन आया हुआ था, 150 कॉपी निकाल करके हमने उसका निराकरण कर लिया। सेयूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।